Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Aaj aapke saath badi zabardast recipe share karne laga hu, Habshi jangli beef palao. Ye shuru karte hain. Aap dekh sakte hain ki maine ye boneless beef rakha hua hai. Wazan mein ye 2 kilo hai. Naan ka hai aur iski choti choti humne ye pieces karwa liye hain. Aap dekh sakte hain. Theek hai? Aur iske saath humne fat bhi liya hai. Jo fat ka wazan hai wo tareeban 200 gram hai. Ye dekh sakte hain aap. Theek hai? Ye fat bhi hai isi ka. तो अब सबसे पहले हमने करना क्या है, ये मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें मैंने 2 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल दिया है। पानी जो है वो हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम नीचे से ऑन है, पानी हमारा अच्छे से गर्म है। अब इसमें मैं शामिल करूंगा 1 टेबलस्पून घी की, सिर्फ 1 टेबलस्पून घी डाल दिया। घी डालने के बाद अब मैं इस पानी में शामिल करूंगा 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन, ताजा कुटा हुआ ये शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें शामिल करने लगा हूँ 5 अदद हरी इलायची, ठीक है ये देखिए। इसके बाद 5 अदद मोटी इलायची, बादियान के फूल 5 अदद, 3 टुकड़े दालचीनी, ये देखिए दरमियाने साइज के, ठीक है ये डाल दिया। अब इसके बाद शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें नमक शामिल करूंगा, नमक जो है वो मैं इसमें 3 टीस्पून शामिल करने लगा हूँ, वजन में ये बनेगा 30 ग्राम, ठीक है। बाकी आपको साथ साथ नई रेमेंट बताता जाऊंगा। अच्छा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, वजन में 5 ग्राम, ठीक है। और 1 टीस्पून हल्दी पिसी हुई, ठीक है ये भी 1 टीस्पून, वजन में 5 ग्राम। अब हम गोश्त इसमें डाल देंगे जो हमने धो के साफ करके रख लिया है इस तरीके से। ये रेसिपी फर्स्ट टाइम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी रेसिपीज आपके साथ शेयर करें और नई और कुछ अच्छी चीज आपको करके दिखाएं जो आपको अच्छा भी लगे। तो गोश्त डाल दिया। अच्छा, अब इसमें लौंग मैंने नहीं डाले थे अभी, अब मैं इसमें लौंग भी डालने लगा हूँ। तकरीबन 10-12 दाने लौंग के हैं, ये देख सकते हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। इसको आप अच्छा से एक दफा हिला देंगे। ये जो हबशी जंगली पुलाव की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा हमने अपना टच भी दिया है, तो इस वजह से मसाले जो हैं वो हम थोड़े से इसमें तीखे रखेंगे ताकि पुलाव जो है वो जबरदस्त बने टेस्ट में। इस तरीके से तमाम चीजों को मिक्स कर देने के बाद अब इसको मैं लगाऊंगा कवर और इसको हम तकरीबन 35 मिनट के लिए कुक करेंगे प्रेशर कुकर में। कवर मैंने लगा दिया व्यूअर्स, अब हम 35 मिनट के लिए इसको प्रेशर दे देंगे। अब इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ अब मसाले की तैयारी करनी है और बाकी जो प्रोसेस है, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी अब आपसे मैं शेयर करता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अब हमने एक कढ़ाई ले ली, अब हम बनाएंगे मसाला और सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे घी। ये देखिए कढ़ाई मैंने ले ली, इसमें मैं घी डाल रहा हूँ। घी का जो मैं वजन रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ मैं 200 ग्राम। अब घी को हम गर्म करेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे प्याज, प्याज शामिल कर देंगे और प्याज शामिल करने के बाद अब हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। अच्छा व्यूअर्स, प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, अब जितनी देर में कंप्लीट प्याज हमने फ्राई करना है उतनी देर में मैं अल्लाह से आपसे शेयर कर देता हूँ। ये 500 ग्राम मैंने टमाटर लिया आधा किलो और 10 अदद हरी मिर्च ली, ये आप देख सकते हैं इस साइज की हरी मिर्च, ये हल्की तीखी होती है, बहुत तेज नहीं होती। अब ये दिखाएंगे, ये मेरे पास ग्राइंडर जग है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब ये तमाम टमाटर और हरी मिर्च हम इसमें डाल के तो इनको मिक्स ग्राइंड करेंगे, इस तरीके से सारा डाल देंगे इसमें और इसको हम मिक्स ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और अब ये आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि प्याज जो है अब हमारा फ्राई होने की तरफ आ रहा है, ठीक है। फ्राई हुआ नहीं है बस, अब ये रेडी है, मतलब 1-1.5 मिनट में ये सुनहरा हो जाएगा। तो इस स्टेज पे आके मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन कुटा हुआ शामिल कर रहा हूँ, इसको मिक्स कर देंगे इसके साथ ताकि जितनी देर में प्याज जो है वो हल्का सुनहरा होता है उतनी देर में अदरक लहसुन भी हमारा फ्राई हो जाए, ये देखिए। अच्छा जी, 1 से 1.5 मिनट गुजर चुका है, अदरक लहसुन भी प्याज के साथ जो है वो फ्राई हो चुका है, प्याज पे हल्का सुनहरा कलर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ 1 टेबल स्पून भर के जीरा, साबुत जीरा इसमें शामिल कर देंगे और इसको जो है बस जरा सा फ्राई कर लेंगे, इस तरीके से जरा सा हिलाएंगे इसको और घी में इसको जरा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल कर दूंगा मैं टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके रख लिया था, ये देखिए। अब इसमें मैं शामिल करूंगा नमक, नमक जो है वो हमने पहले जो गोश्त था उसको जब प्रेशर लगाया था उस टाइम हमने 3 टीस्पून शामिल किए थे, यानी 30 ग्राम, और अब मैं इसमें 4 टीस्पून और नमक शामिल करने लगा हूँ, 1, 2, 3, 4। आप नमक को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक शामिल कर देने के बाद इसको हम टमाटरों को जो है वो मसाले के साथ घी में थोड़ा सा फ्राई करेंगे
एक से दो मिनट। अच्छा जी, एक से दो मिनट हमने इसको टमाटरों और हरी मिर्चों के पेस्ट को पका लिया। देखिए ये इनको उबाल आ चुका है, ये उबल रहा है, ठीक है। अब इसमें हम शामिल करने लगे हैं ताज़ा मटर, जो वजन में 750 ग्राम के तीन पाव थे, उनको साफ करके उनके दाने ये देखिए मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये शामिल कर दिए। इसके बाद इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ 250 ग्राम आलू, वजन में साफ करके छिलका उतार के और दरमियाने साइज के छोटे छोटे ये क्यूब पर आ रही है, ये इस तरीके से ये भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद इसमें शामिल करेंगे गाजर। गाजर जो थी उसका वजन था 150 ग्राम, उसको भी हमने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया इस तरीके से, ये भी शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर देंगे ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हमने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो करके तो इनको तकरीबन 8 मिनट का दम देना है। ये देखिए 8 मिनट के बाद इसमें जो चीज़ हमने शामिल करनी है वो आपसे शेयर करूँगा। 8 मिनट हो चुके हैं जी, कवर उठा लेते हैं। कवर उठाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने इसमें क्या शामिल करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे फूल गोभी। फूल गोभी वजन में 1 किलो थी, लेकिन इसको हमने साफ कर लिया है तो इसका वजन कम हो गया, और इस तरीके से हमने इसको काट के तो इसमें शामिल कर लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1 किलो मैंने इसमें फूल गोभी शामिल कर दी। अब हम इसको फूल गोभी को भी एक दफ़ा हिला देंगे। फ्लेम देखिए बिल्कुल हमने दम वाला रखा हुआ है, फ्लेम को आपने बिल्कुल तेज़ नहीं करना। अब ये तमाम प्रोसेस जो है कंप्लीट होने तक दम वाला फ्लेम ही रहेगा, लास्ट पे फिर हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए फ्लेम को हाई करना है। तो अभी गोभी डालने के बाद, गोभी डालने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर कर दूंगा, और दोबारा से कवर करके तो अब हम इसको देंगे पूरे 12 मिनट का दम। तो 12 मिनट के बाद अगला स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा जी, 12 मिनट और गुजर चुके हैं, अब हम इसका कवर उठा लेते हैं। कवर उठाने के बाद आप एक दफा इसको हिलाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा, अब व्यूअर इसमें हमने सिर्फ एक चीज और ऐड करनी है इस स्टेज पे आके, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं इसमें क्या ऐड करने लगा हूँ। इसमें मैंने ऐड करना है गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून ये भर के और 1 टीस्पून और भर के, ठीक है। ये तमाम जो खड़े मसाले होते हैं उनको हमने ग्राइंड करके तो ये मसाला तैयार करके रखा है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगा। और अब इसमें अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्जी, ना डालना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च भर के भी शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। और आप इसको हम कर देंगे मिक्स, और फ्लेम को करेंगे हाई, और हाई फ्लेम पे इसकी करेंगे मसाले की बुनाई। तो प्रेशर का टाइम भी पूरा हो चुका है, प्रेशर का फ्लेम में ऑफ करने लगा हूँ, उसकी स्टीम निकलने का इंतजार करेंगे। जैसे उसकी स्टीम निकलेगी उसको भी खोल लेंगे, तो जितनी देर में ये मसाला भी हमारा फ्राई हो जाएगा। मसाला जो है वो हमने देखिए पीवर बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, और मसाले में तकरीबन घी छोड़ दिया है। अब फ्लेम को बिल्कुल हम लो कर देंगे, दम वाला कर देंगे, और इस स्टेज पे आके इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ दही। दही जो है वो 200 ग्राम इसमें शामिल करेंगे, ताज़ा दही है। ये देखिए दही शामिल करके तो दही को भी मिक्स करके तो फिर हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे दही को मसाले के साथ, ताकि जो दही का मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए, फ्राई हो जाए, इसका जो पानी है वो खत्म हो जाए। तो अब इसको एक दफ़ा मिक्स करके अब फ्लेम को हम हाई कर देंगे, और इसको भी जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये आपको दिखा देते हैं कि प्रेशर कुकर जो है वो हमने खोल लिया है, माशाल्लाह से जो हमारा गोश्त है वो बहुत अच्छे से बन चुका है, मतलब गल चुका है, बिल्कुल रेडी है, यखनी इसके साथ है। अब हम ये दही की बुनाई कर लें, और उसके बाद जब ये मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो ये अब हमने सारा गोश्त जो यखनी के साथ है इसमें शामिल करना है। अच्छा व्यूअर्स, ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, दही डाल के भी हमने इसको मसाले के साथ फ्राई कर लिया है। अब प्रेशर कुकर से हम डालेंगे गोश्त और यखनी जो हमारी इसमें पड़ी हुई है वो सारी हम इसमें डाल देंगे। वाह सुभान अल्लाह, कैसी ज़बरदस्त खुशबू आई है। इसको करेंगे मिक्स, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब हमने गोश्त मिलाने के लिए पानी डाला था तो वो मैंने 2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, और चावल जो अब हम इसमें डालेंगे उनका वज़न है 1 किलो। तो पानी यखनी जो है वो हमारी पूरी है, अब हमें इसमें मज़ीद पानी नहीं डालना। चावल जो है वो डबल स्टीम राइस है, इसको मैंने आधा पौना घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब हम ये चावल भी साथ ही इसमें शामिल कर देंगे, इस तरीके से चावल शामिल करके तो हमने एक दफा इन चावलों को तमाम मसाले के साथ मिक्स कर लेना है, इस तरीके से। फ्लेम को अब आपने हाई रखना है, फ्लेम को आपने लो नहीं होने देना, ठीक है। तो ये तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे, तो ये इंशाल्लाह चावल जो है ये सारा जो यखनी है पानी है ये अब्सॉर्ब कर लेंगे। अभी मजीद हमने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वीडियो स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हबशी जो है बीफ पुलाव
वो किस तरीके से तैयार होगा, हबशी जंगली बीफ पुलाव किस तरीके से तैयार होता है, चलेगी। अच्छा विगर, 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, तकरीबन आधा पानी चावल जो है वो एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ पत्ता गोभी, जो मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट ली है, देखें ठीक है। ये एक फूल था और वजन में ये 750 ग्राम था, साफ करने के बाद शायद ये 500 ग्राम रह गया है। तो ये देखिए, ये पत्ता गोभी भी इस तरीके से हम सारी शामिल कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको भी एक दफा मिक्स करेंगे, आपको दिखाएंगे मिक्स करके, इस तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से, ये देखिए, ये तकरीबन आधे से ज्यादा जो पानी है वो चावल एब्जॉर्ब कर चुके हैं बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, तो आपने इस तरीके से नीचे से आके ऊपर को उठाना है और ये इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना। अब मजीद इसको थोड़ा सा और हम इसका पानी एब्जॉर्ब होने देंगे, जब बिल्कुल एक कन्नी के बराबर रह जाएगा पानी, तो तब हम फ्लेम को लो करके इसको दम देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, माशाल्लाह से चावलों ने पानी सारा एब्जॉर्ब कर लिया, ये देखिए एक फाइनल मैंने इनको एक दफा हिला के देख लिया है। अब ये दम लगाएंगे इनको, दम लगाने के लिए सबसे पहले हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, बिल्कुल दम वाला कर देना है, ठीक है। ये इस तरीके से हमने सेट कर लिए चावल, हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और एक गीला कपड़ा ले लेंगे और वो इस तरीके से इन चावलों के ऊपर, ये देखिए किस तरीके से कढ़ाई के ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर रखेंगे कवर, ये इस तरीके से, ठीक है। कवर रख के अच्छा सा कपड़े को खींच लेंगे ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना आए, इस तरीके से कर देंगे इसको। और अगर आप इस पर कोई वजन रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, और अगर आप ये देखें आपका जो बर्तन है उसमें से स्टीम बाहर आने के चांसेस नहीं है, तो ये इतना ही काफ़ी है। तो अब हमने इसको 20 मिनट का दम दे देना है, तो 20 मिनट के बाद दम खोल के फाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं। 20 मिनट का दम हो चुका है जी, अब हम दम खोलते हैं, फ्लेम को हम नीचे से ऑफ कर देते हैं। चलें जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चावलों को कैसा ज़बरदस्त दम लगा है। अभी हमने करना क्या है कि बस ज़रा सी इसकी ये स्टीम निकलने देते हैं, उसके बाद इनको शफल करते हैं और फिर इनको डिश आउट करते हैं। चलें जी, तकरीबन आधा पौना मिनट गुजर चुका है, अब हम इसको इस तरीके से शफल करेंगे, नीचे से हमने ऊपर की तरफ इनको लेके आना है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह से हबशी जंगली बीफ पुलाव बन के रेडी हो चुका है जी। इस रेसिपी के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है, खाने में इंतहाई लज़त वाला और मज़ेदार होता है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें। अब इसको मैं सर्व करता हूँ, दिखाएंगे ये, बिस्मिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह कैसे खिला खिला ये चावल बनाए, कैसे ज़बरदस्त माशाल्लाह की नज़र आ रहे हैं। अब हम इनको इस तरीके से सर्व कर देंगे और फिर ये खाए जाएंगे माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुआ है। तो उम्मीद करूँगा कि आप वाकई में हमारी रेसिपी को पसंद करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में किसी नई और अच्छी और दिलचस्प सी रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हिला के हम शफल करके डाल रहे हैं ताकि एक एक दाना जो है वो खिला हुआ नजर आए, ठीक है। ये इस तरीके से चलें जी, ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है जी। अब उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और भरपूर आपको ये मज़ा देगा पुलाव। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।